नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ चौप मसाले की रेसिपी। चौप मसाले से आप काफ़ी सूखी सब्जी तैयार कर सकते हो और काफ़ी वैरायटी के बना सकते हो, और इससे काफ़ी इजीली सब्जी बनाने में मदद होता है। तो चलो मैं करता हूँ रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले चौप मसाले के लिए हम डाल देते हैं तेल। तो मैंने डाला है 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और 1/4 टीस्पून डाल दूंगा जीरा। उसके बाद इसी में हम डाल देंगे छोटी इलायची, मोटी इलायची, और इसी में डाल देंगे तेज पत्ते। और इसको बिल्कुल कम ही गैस में, ज़्यादा बहुत सारे क्या करते हैं कि गरम तेल में जो है फटाफट डाल के फिर जो है ये सारे मसाले अपना फ्लेवर नहीं छोड़ते हैं और वो जल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल ज़्यादा गरम ना हो तेल, और आपको बिल्कुल आराम से भूनना है जो कि जो है ये सारे अपनी खुशबू छोड़ दें। तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल कुकिंग हर कोई अपने स्टाइल में करता है। तो अगर आपको वो चीज़ पसंद है बट उसमें जो है इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है, फास्ट कुकिंग का भी जो है फास्ट कुकिंग में जो है बिल्कुल इतना टेस्ट नहीं आ पाता है। तो उसके बाद आपको ऐड करना है, मैंने जो है 2 बड़े प्याज चॉप कर दिए हैं, तो उसके लिए डाल देते हैं 2 बड़े प्याज। और इसको आपने तब तक भूनना है जब तक कि जो है बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। तो चलो मैं इसको भून लेता हूँ बढ़िया। उसके बाद आपको डाल देना है इसमें हल्दी। हल्दी के बाद इसमें डाल देना है कश्मीरी मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, और इसको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और पेस्ट को आपको अच्छे से भून लेना है इसको बढ़िया सा। और ये जब आपका कलर ऐसा आ जाए उसके बाद आपको कर देना है इसमें टमाटर ऐड। तो इसको भी थोड़ी देर भून लेते हैं बढ़िया सा। तो टमाटर आपको लेना है 1/4 प्याज का। अगर मैंने 4 प्याज लिए हैं तो 1 टमाटर लिया है। तो उसके बाद डाल देना है 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और कोई भी मसाले ऐड नहीं करना क्योंकि ज़्यादा मसाले उसमें डालना है। टमाटर गलाने के लिए 1/2 टीस्पून नमक, और इसको अच्छे से भून लेना है। तो चलो मैं इसको जो है 5 मिनट। जब आपका टमाटर और प्याज अच्छे से भून जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून टमाटर ग्रेवी, और इसको भी अच्छे से चला लेंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून वाइट ग्रेवी, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो अपना जो है चौप मसाला बनकर रेडी हो चुका है। आप देखो काफ़ी अच्छा कलर भी आ चुका है चौप मसाले का, और खाने में काफ़ी टेस्टी रहेगा क्योंकि कभी भी ज़्यादा मसाले हमेशा ऐड करके जो है टेस्ट को हमेशा दूसरी तरफ ले जाता है, इसलिए परफेक्ट मसाले डालें। तो मैंने इसीलिए जो है इसका जो है ये वीडियो बनाया, क्योंकि अब मेरे इसी से रिलेटिव दवा के वीडियो आने वाले हैं। तो चलो हमारा ये भी हो चुका है रेडी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई
तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में लगे बेल ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, एक बार फिर मिलूंगा एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।